नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर, यहाँ से एक बहुत अच्छा अपडेट निकल के आया है। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में किस प्रकार से जो है स्क्रूटनी लिस्ट के लिए निकला था, तो उसमें किस प्रकार से पदस्थापना आई है, हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे। और आप हम लोग आगे बढ़े इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देन उसके बाद में हम लोग ये देखते हैं कि विज्ञापन क्रमांक 100-100 दिनांक 17/11/2000 द्वारा प्रथमतः मध्य प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित पैरामेडिकल कोर्सेज से उत्तीर्ण उम्मीदवारों से पदपूर्ति किए जाने के निर्देश प्राप्त होने से के फलस्वरूप प्रकाशित विज्ञापन 92/44 स्थापना 21/6/2021 के तारतम्य में मध्य प्रदेश के समस्त शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित पैरामेडिकल कोर्सेज से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति संभागायुक्त एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति स्वशासी संस्था इंदौर अनुमोदन उपरांत गठित चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक नियमानुसार सुपर स्पेशलिटी अस्पताल इंदौर में अंतरिम रूप से प्रोविजनल पदस्थ किया जाता है। तो इस प्रकार से पदस्थापना निकली है दोस्तों। हम लोग देख लेते हैं कैथेटर लैब टेक में ये लोग चयनित हुए हैं। शिल्पा अहिरवार, मोहम्मद खान, अंकिता मंडलोई, शैलेंद्र नागर, इनका हुआ है कैथेटर लैब टेक में। और इसी प्रकार से मुकेश सिंह किरार, ज्योति मोरे, भाग्यश्री विधार्ते, इनका हुआ है ईसीजी में इनका हुआ है। रजनीश कुमार कुशवाहा, रघुराज सिंह सेंगर, आकाश रंजन लाल मेहरा और राजाराम पटेल, वीरेंद्र कुमार वर्मा, इन लोगों का हुआ है एनास्थीसिया टेक्नीशियन में। ओटी टेक्नीशियन की लिस्ट देख लेते हैं हम लोग। ओटी टेक्नीशियन में हुआ है मनीष सांवले, श्रवण कुमार साकेत, मोना कुरिल, दिव्या पचौरी, पंकज डामोर और चेतन वर्मा, इन लोगों का चयन हुआ है आपका ईसीजी लैब टेक में, सॉरी ओटी टेक्नीशियन में। इसी प्रकार से लैब टेक्नीशियन ब्लड बैंक में किन लोगों का चयन हुआ है, विपिन विश्वकर्मा का चयन हुआ है। उसी प्रकार से बाल मुकुंद पटेल का चयन हुआ है लैब टेक्नीशियन ब्लड बैंक के अंदर। और नीता गिरी का चयन हुआ है लैब टेक्नीशियन पैथोलॉजी के अंदर। इसी प्रकार से अमन कुमार का डायलिसिस टेक्नीशियन में और ऋतिक यादव का हुआ है डायलिसिस टेक्नीशियन में। दोनों का डायलिसिस टेक्नीशियन में हुआ है, एक दोनों ओबीसी श्रेणी से हैं। आपकी नियुक्ति की शर्तें इस प्रकार से रहेंगी, ये मैं आदेश आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सीधा लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी प्रकार की वैकेंसीज के लिए आप बने रहिए मेरे साथ में, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी के साथ में। जय हिंद।